प्रिय छात्रों, आज हम ठोस ज्यामिति जिसे मेंसुरेशन भी कहते हैं उसमें गोले वाले चैप्टर से एक प्रश्न लेकर चल रहे हैं। आज के प्रश्न के अनुसार हमें दो गोलों के आयतनों का अनुपात दिया हुआ है और हमारे लिए गोलों की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। क्लियर? तो देखिए, ये प्रश्न जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी है। प्रायः ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। तो देखिए, हमारा प्रश्न है दो गोलों के आयतनों में 27:8 का अनुपात है, गोलों की त्रिज्याओं में अनुपात ज्ञात करो। क्लियर? तो हमारे लिए गोलों के आयतन में जो अनुपात दिया हुआ है वो 27:8 का अनुपात दिया हुआ है। हमारे लिए गोलों की त्रिज्याओं में अनुपात ज्ञात करना है, तो हमने लिख लिया, माना पहले गोले की त्रिज्या बराबर R1 मात्रक। क्लियर? और दूसरे गोले की त्रिज्या बराबर R2 मात्रक। अब देखिए, प्रश्न के अनुसार हमें गोलों के आयतनों का अनुपात दिया हुआ है 27:8, तो इसको हम लिख सकते हैं। अब लिख दिया हमने प्रश्न के अनुसार पहले गोले का आयतन बटे दूसरे गोले का आयतन बराबर 27/8। जैसे मान लीजिए आपको ए और बी में 9 और 11 का अनुपात दिया हुआ है, तो आप इसे अब बटे में ले सकते हैं, ए बटे बी बराबर 9/11, या ए अनुपात बी बराबर 9:11। ये दोनों प्रकार से लिखा जा सकता है। तो हमारे लिए चूंकि गोलों को आयतनों का अनुपात दिया हुआ है, इसलिए हमने इसको भिन्न के रूप में लिख लिया, पहले गोले का आयतन बटे दूसरे गोले का आयतन बराबर 27/8। और जैसा कि आप जानते हैं, गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 πr³। तो जब यहाँ पर हम पहले गोले के आयतन का सूत्र लिखेंगे तो लिखेंगे 4/3 πr³, और अंश हर में लिख देंगे 4/3 πr²³। इसमें पहले गोले की त्रिज्या लगाई जाएगी, इसमें दूसरे गोले की त्रिज्या लगाई जाएगी, बराबर 27/8 आपको ये आ गया। क्लियर? इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा r³ बटे r²³ बराबर 27/8। क्लियर? फिर इसको हम इस प्रकार से लिख लेंगे, r₁/r²³³ बराबर 3/2³³। 3/2 को जब 3/2 से 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 27/8 आ जाएगा, इसलिए हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखिए, ये पावर से पावर कटेगी नहीं, काटते नहीं हैं, चुपचाप मन में हिसाब लगा के इसका मन में समझ लीजिए। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं घनमूल लेने पर, लेकिन आप घनमूल लेने पर मत लिखिए, आप तुरंत लिख दीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि r₁/r²³ बराबर 3/2, इस निशान का ये निशान लगा होता है, इसका मतलब होता है अर्थात, या इसका मतलब है कि, तो इससे हमारे लिए लाइन मिल गई। अब चूंकि ये लाइन हमारे लिए प्राप्त हुई r₁/r²³ 3/2, और जैसा कि हमने आपको बताया था a/b = 9/11 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ a और b का अनुपात 9:11 है। तो इस नियम के हिसाब से हम यहां पर लिख देंगे आंसर, अतः गोलों की त्रिज्याओं में 3:2 का अनुपात है। क्लियर? तो इस प्रकार से आपका यह प्रश्न हो गया, यह आपका उत्तर लिख गया। तो इस प्रकार के प्रश्न बहुत सारे आपके पाठ्यपुस्तकों में दिए गए हैं, आप उन्हें हल कीजिए, जो अनुपात दिया हो वो अनुपात लगा के आप प्रश्न को हल कर दीजिए। ये हमने गोले के आयतन से संबंधित प्रश्न लिया था, अगली बार हम आपको गोले के वक्र पृष्ठ से संबंधित प्रश्न लेकर चलेंगे, और बहुत सारे प्रश्न जो आयतनों से या वक्र पृष्ठों से अनुपात से संबंधित हैं उन प्रश्नों को लेकर चलेंगे। गोले के आयतन, गोले के बेलन के, शंकु के, सभी प्रकार के प्रश्न होते हैं इस प्रकार के, तो वो आपको हम आगे बतलाएंगे। आज आप इतनी बात पर विचार कीजिए।